आइए सीधे लिए चलते हैं आपको पीसीसी के बाहर, जहां इस वक्त हंगामा देखने को मिल रहा है। तो पीसीसी के बाहर ये हंगामे की तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि जो कमेटी के सदस्य हैं, 40 सदस्य, वो एक एक करके पहुंच रहे हैं वहां। लेकिन और ये संगीता गर्ग की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेट बंद करके इनको फिलहाल बाहर ही रोक दिया गया। तो पीसीसी के बाहर ये हंगामा देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इनको मनाने का दौर भी चल रहा है, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो जयपुर से पीसीसी दफ्तर के बाहर से लाइव तस्वीरें, जहां एक तरफ अंदर बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत जो तमाम नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी पहुंच गए हैं, और संगीता गर्ग जो है वो भी अंदर पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन जब अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया तो उसके बाद बाहर ही उन्होंने नाराजगी जाहिर की। रेगुलेशन बनाया जाता है वो सभी के लिए समान होना चाहिए, लेकिन वो समानांतर व्यवस्था ही नहीं होती यहाँ पर। कभी कभी मेरे खिलाफ लोगों को खड़ा किया जाता है कि संगीता को अंदर नहीं आने देना, और मेरे सामने के काम कार्यकर्ता को अंदर आने देते, किसी और को अंदर जाने देते, किसी सेक्रेटरी को अंदर जाने देते, लेकिन मुझे नहीं। क्यों, मेरा क्या दोष है? मैंने पार्टी का काम किया, मैंने किसी व्यक्ति की जी हुजूरी नहीं करी, मैंने पार्टी का काम किया और ईमानदारी और निष्ठा से किया है। मुझे आज 19-20 साल हो गए, लेकिन मैं इस चीज को पिछले 5 साल से झेल रही थी, लेकिन आज मेरी जो व्यथा है, जो मेरी पीड़ा है, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ और भी सेक्रेटरी यहाँ खड़े हुए थे, लेकिन उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। तो जो व्यवस्थाएं हो, जो रूल रेगुलेशन बने, वो सभी के लिए समानांतर हो, इक्विवेलेंट हो। देखिए, मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी ने हर एक को सम्मान दिया है, मुझे भी सम्मान दिया है, मैं उसके लिए तहे दिल से पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सम्मान दिया है। लेकिन आपको तो मैडम यहाँ नीचे बैठना पड़ रहा है गेट के बाहर आज, क्योंकि देखिए मैं पिछले 4-5 सालों से ये चीज झेल रही हूँ, आज की बात नहीं है, मैंने 4-5 सालों से इस चीज को झेला है कि आप इस तरह की व्यवस्था क्यों करते। मैंने हमेशा रिक्वेस्ट की है। तो एक महिला नेत्री को भी रोका गया है बाहर, और संगीता गर्ग को अभी आप सुन रहे थे, जो कि कह रही हैं कि मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, जब समानता की बात की जाती है। बनाया जाता है, कुछ रेगुलेशन हो बनाए जाते हैं तो सबके लिए इक्वल हो, समानांतर व्यवस्था आप कायम करो, इस तरीके से नहीं कि कोई कार्यकर्ता किसी व्यक्ति की जी हुजूरी करता है तो उसको आप अंदर बुला लो और पदाधिकारी को रोक दे। क्यों, मैं पार्टी का काम नहीं करती? मैं 19-20 साल से पार्टी की सेवा नहीं कर रही, जहां जहां मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाती है मैं पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करती हूँ, फिर हमारे साथ इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों की जाती है? तो संगीता गर्ग जो कह रही हैं, 19 सालों से पार्टी की सेवा कर रही हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, वो सबके लिए समान क्यों नहीं होते हैं? एक आम कार्यकर्ता को अंदर जाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं पदाधिकारी अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन एक महिला पदाधिकारी को यहाँ क्यों रोक दिया गया? तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, हालांकि समझाने की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां संगीता गर्ग ने तमाम सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो रोज की तरह कई पदाधिकारी आए पीसीसी, लेकिन उनको मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया, और इसी पर सवाल उठा रही हैं संगीता गर्ग, अब अंदर फोन कर रहे पदाधिकारी। तो इस बात का उन्होंने स्वागत किया है कि अभी तक जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से उसे बखूबी निभाया है, लेकिन ये जो समानता की बात की जाती है उसमें आखिरकार ये ऐसा बर्ताव क्यों? जब रूल्स बनाए जाते हैं, समान व्यवस्थाओं की बात की जाती है, तो फिर उसमें इस तरीके का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? तो एक तरफ पीसीसी के दफ्तर में अंदर बैठक चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पीसीसी के बाहर हंगामा देखा जा रहा है, और संगीता गर्ग जो हैं
वो यहाँ पर पहुंची थी, अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया और इस पर इन्होंने नाराजगी जाहिर की कि आखिरकार मेरे साथ ये बर्ताव क्यों किया गया, जब और सदस्य हैं उनको दाखिल होने दिया गया तो आखिरकार मुझे प्रवेश क्यों नहीं होने दिया गया। और इस वक्त पीसीसी से हमारे सहयोगी